Hello Groomies, I hope you all enjoyed and understood Chapter 1, Earth and its Neighbors. So let's get on with Chapter 2, that is Earth, Our World. इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि अर्थ कैसी दिखती है, किस शेप की है और अर्थ में कौन कौन से ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ किस शेप की है? राउंड शेप की है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। बहुत साल पहले लोगों को लगता था कि अर्थ का शेप फ्लैट है, किसी को ये नहीं पता था कि अर्थ एक्चुअली में ऑब्लेट स्फेरॉइड या फिर राउंड शेप की है। अबाउट 500 इयर्स अगो, मतलब 500 साल पहले, एक सेलर था फर्डिनेंड मैगेलन, जिसने अपनी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट की सेलिंग करते हुए, क्योंकि उसे पता लगाना था कि एक्चुअली अर्थ का शेप क्या है। कई लोग उसे फ्लैट कहते थे, कई उसे राउंड कहते थे, वो बहुत कंफ्यूज था। तो उसने सोचा कि आई गेट टू नो कि अर्थ का एक्चुअल शेप है क्या। तो वो स्पेन से उसने स्टार्ट किया सेल करना और धीरे 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 जिस पॉइंट से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया वो घूम के उसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो बाद में उसे क्या पता चला कि अर्थ का शेप राउंड है, क्योंकि जहां से उसने अपनी जर्नी बिगिन की वहीं पे उसने अपनी जर्नी को एंड किया। एविडेंस ऑफ शेप ऑफ अर्थ, मतलब क्या प्रूफ है कि अर्थ का शेप राउंड है। इफ वी स्टैंड ऑन अ बीच, अगर हम किसी बीच के पे खड़े होते हैं और हम किसी शिप को सेल करते हुए देखते हैं तो वो धीरे धीरे हमें उस शिप का साइज छोटा होता नजर आता है। और एक पॉइंट आता है जब हमें ऐसा लगता है कि वो शिप सिंक हो गया है, मतलब डूब गया है, क्योंकि वो हमें नजर नहीं आता है जिस पॉइंट पे हम खड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अर्थ राउंड है और शिप सेल करते करते दूसरे पॉइंट पे जा पहुंचा है। लेयर्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ किन किन लेयर से बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ सिर्फ एक कंपोनेंट से बना है या उसकी सिर्फ एक लेयर है। तो अब हम जानेंगे कि अर्थ के कितने लेयर्स हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर। अर्थ का कोर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, व्हिच हैज आउटर कोर एंड इनर कोर। सो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। जो बाहर की लेयर है अर्थ की उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये बहुत हार्ड होती है इसका। सो जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, वो 0 to 70 किलोमीटर्स की है। देन सेकेंड या फिर मिडिल लेयर अर्थ का जो है वो है मेंटल, वो 70 किलोमीटर से लेके 2,891 किलोमीटर्स तक का है। देन वी कम टू द कोर पार्ट, विच हैज 2 पार्ट्स। द आउटर कोर इज 2,391 किलोमीटर्स टू 5,150 किलोमीटर्स एंड इनर कोर इज 2,391 किलोमीटर्स टू 6,731 किलोमीटर्स। सो ये थी अर्थ की 3 मेन लेयर्स, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। एज यू सी इन दिस डायग्राम, दिस ब्लू पार्ट इज ऑफ वाटर। सो यू कैन सी सो मच ऑफ वाटर बॉडीज, ओशन, सीज आर देयर ऑन द अर्थ, राइट? So first, let's know about continents. The green colored portion is of continents. First is North America. North America is located on the
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मींस दिस इज नॉर्थ अमेरिका. इट इज सिचुएटेड एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मींस एट द अपर हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब. सेकेंड इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सो दिस इज साउथ अमेरिका. This is the fourth largest continent of the globe. Third is Europe. This is Europe. It is also located on the northern hemisphere of the globe. It is the most populated and the sixth largest continent of the globe. Fourth is Asia. Asia is the largest and the most populated continent in the world. As you can see, the size of Asia is largest as compared to the other continents in the world. Fifth is Africa. Where is Africa? Yes, this is Africa. Africa is the second largest continent in the world. It is also second most populated continent. This is Australia. This is Australia. Australia is the smallest continent in the world. You can see how tiny it looks on the big globe. This is Australia. Seventh is Antarctica. Antarctica is in the southern hemisphere of the world. It is located in the northern hemisphere and mostly on the north circle of Arctic Circle. This is Arctic Circle on the globe. Now let's know about oceans. There are five oceans in the world. First is Pacific Ocean. This is the region where Pacific Ocean lies. It is the largest ocean in the world. The equator runs through it and divides it into the North Pacific and South Pacific Ocean. Second is Arctic Ocean. It is located in the Northern Hemisphere. There, this is Arctic Ocean. It is the smallest ocean in the world. Third is Atlantic Ocean. It is the second largest ocean in the world. Where is Atlantic Ocean? There. This is Atlantic Ocean. It is surrounded by America, Africa and Europe. America, Africa and Europe. It is Antarctic Ocean. Antarctic Ocean is located in the southern hemisphere surrounding the southernmost tip of the earth. This is Antarctic Ocean. It lies in the southern hemisphere of the world. Fifth and the last ocean is Indian Ocean. It is the third largest ocean and lies to the south of Asia. Here, this is Indian Ocean. So children, I hope you liked the chapter. And now you have to draw the diagram of layers of the earth like this in your notebooks.